सो वीवर, जब आप हमजा से गुलमर्ग से निकलते हैं तो ये एक भटूरा लेक थी, किसी दौर में लेक हुआ करती थी। अब यहाँ पे वो ग्लेशियर के ब्रेस्ट होने की वजह से पत्थर भी भर के हैं, मट्टी भी, ये लेक ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर आपको ये बोर्ड नज़र आएगा रेनबो ब्रिज का, बड़ा अच्छा कलरफुल मज़ेदार ब्रिज है, इस पर पिक्चर्स बड़ी अच्छी आती हैं। और यहाँ से इसका रास्ता जाता है इस ब्रिज का। ये भाई हैं, इन्होंने बनाया रेनबो ब्रिज, इन्होंने मेरे ख्याल गाल में टिकट भी लगाई है, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताएं इस पहले इस ब्रिज के, वालेकुम सलाम, पहले इस ब्रिज के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बताएं और इसकी क्या सीन है, कब बना और इसका क्या पर्पस है? ये ब्रिज बना है तकरीबन महीना पहले। अच्छा, महीना पहले। ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, कम्युनिटी की खिदमत की है। अच्छा, कम्युनिटी की खिदमत के लिए। जी, ने खुद कम्युनिटी की एफर्ट की वजह से ये बना। अच्छा, इसकी क्वालिटी क्या है? बस ये रेनबो कलर किए हैं इसको। जी जी जी, सही है सही। टिकट भी लगाया हुआ है इसका? जी जी। कितना टिकट लगाया? टिकट था इसका, टिकट पासुकॉन्स की पूरी ट्रेल बनी हुई है ऊपर। तो इनका कहना है दानिश भाई का कि इसके ऊपर आके आप पूरा देख सकते हैं। आए दानिश भाई आगे। इसको रेनबो ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर रेनबो कलर्स हैं। ये दानिश भाई हैं, आप रेनबो ब्रिज पे जब भी आएंगे, हो सकता है मेरी आवाज़ कम आ रही हो पानी के नॉइज़ से, दानिश भाई आप नहीं मिलेंगे, आप आएंगे आपको ब्रिज की सैर तो आएगी, इसको डर लगता है काफ़ी घबराएंगे, दानिश भाई पा लेके जाएंगे जो ऊपर खड़े के कासूम सुनाएंगे, जो हमने आपको अपनी वीडियो को शूट दिखाई है, उसके बाद ये आपको बाहर तक ले गए। आए दानिश भाई, बाहर तक चले। दानिश भाई बड़े कोऑपरेटिव हैं, इन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा, कैमरा मुझे संभाला नहीं जाता, उन्होंने मुझे पकड़ के रखा।